जो थोड़ा पिंड है तुसी जगमोहन सिंह कंग नाल जुड़े हुए हो कि उन्हां दी टिकट का ऐलान नहीं हो रहा, इस करके जो कांग्रेस नाल जुड़े हुए से वो छड के दूजी पार्टियां में जा रहे हैं। कि तुहाडे वल्लों तां नहीं किते हुण इन्हां नूं बदलाया गया जे आप तुहाडे कोल आए ने, किवें होया? पंजाब विच विधानसभा चोणां दे चलदियां जिथे सियासत गरमाई हुई है, रोजाना ही पार्टियां दे विच नेतावां दा भी उधर ते इधर आना जाना बनिया होया है। इसे तरह भावें जाके सिफारशां पा के शामिल करन दी इक होड़ लगी हुई है, पिंडां दे विच भी आम जो वोटर ने उन्हां नूं भी भरमाया भी जा रहा है। तो क्योंकि वोटर की कोई इन्नी दिलचस्पी नहीं होंगी शामिल होने की, उन्होंने किसी ना किसी तरह शामिल करने की कोशिश प्रभाव पाने की की जा रही है कि बंदे मेरे नाल चल पे ने। इस तरह के भी कई मामले सामने आए हैं कि पिंड दे विच मीटिंग लई जांदे ने तां एक मोहतबर आम उन्होंने पार्टी के जो उन्होंने सरोपो टैप बनाए होंगे ने निशान वाले मफलर तो वह पवा दिते जाते हैं, तो दूजे दिन खबर लवा दी जाती है कि मेरे नाल शामिल हो गए ने। तो उस तो बाद वर्कर खंडन करते हैं कि पिंड दे विच जेकर कोई आउंदा स्वागत करना साडा फर्ज है। तो एक मोहतबर ने कह दिता तो असी नाल खड़ के साडियां फोटोआं हो गईआं जां साडे वैसे सरोपे पाते तो सानू शामिल कर दिता जाता है। अजिहे ही कई पिंडां दे विच सामने आया जिवें फांटवां दे विच भी किसानां वल्लों यह मामला सामने आया है कि उन्होंने नाल भी जिहा इस तरह की हुण इक ताज़ा मिसाल खिजराबाद दे विच मौजूदा सरपंच जसवीर कौर जिन्हां नूं कि आम आदमी पार्टी वल्लों पिछले खबर लवा के शामिल होना दर्शाया गया, पर उन्होंने कहा कि आम रस्मी तौर पर पिंड विच आए सी, उन्हां दा स्वागत करना मेरा फर्ज सी, पर अगले दिन वो हैरान रह गए खबर देख के कि मैनू पार्टी विच शामिल कर दिता गया। पर की है इस दे पिछे सारी कहानी, आओ आपां सरपंच जसवीर कौर नाल गल करके उन्हां तों ही जाणदे हाँ। सरपंच साहब तुहाडे गगन अनमोल मान जो इत्थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने खिजराबाद दे विच उन्हां दी मीटिंग हुई है ते तुहाडी नाल फोटो छप के आई है कि मौजूदा जो पंचायत है वह आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है, तो एक रात लंघी अज की गल होगी कि अज तुहाडे वल्लों जो ये अपना स्पष्टीकरण दिता जा रहा है जी? देखो ना ही तो मेरा कोई पहला ध्यान सीगा भी किसी भी पार्टी नूं अपना उहदे विच ज्वाइन करने का, किसी भी पार्टी नूं ये नहीं हैगा भी आम पार्टी नूं ही। मैं तो शुरू तो जिस दिन तो भी मेरी वोट बनी है मैं कहती भी आ रही हूँ सारे नूं भी मैं तो कांग्रेस विच सी ते पंजे नूं मोहर लगती सी, पंजे पर ही लगती आ रही है, पर ये जदों घरों आए तो चलो आने का साड़ा उन्हां नूं स्वागत भी करना सी, असीं कीता भी है तह दिल ते, पर मैं उन्हां नूं मतलब फोटो वगैरह नूं मैं कहा भी नहीं मैं फोटो नहीं खिचाणी हैगी, पर जदी खड़ी तो नाल ही फोटो मैनूं फड़ के उन्होंने मतलब वो करया सत्कार नाल ते फिर उन्होंने गल में चोपा दिया। हुण ये मैनूं नहीं पता भी सरोपा समझे जां किदां समझे, ज्वाइनिंग कोई मैं किसी पार्टी होर च ज्वाइनिंग नहीं की, क्योंकि जदों असीं सरपंच बने उदों भी सारे पिंड वासियां ने कांग्रेस नूं ही चुन के सानूं सरपंच बनाया गया, जिस तरह के राणा कुशलपाल जी उन्हां दी भी बड़ी साढ़े योगदान पाया, उन्होंने बदौलत ही असी इस सरपंच विच खड़े, असी उन्हां नूं बिना पुछे तो असी किसी होर पार्टी किदां रल सकते हैं। जे साडी कोई मीटिंग हुंदी असी किसी गल नाल कोई गल करते किसी मतलब बंदियां नाल फिर भी असी अपनी मीटिंग रखते लैदा तो ता ही असी कोई गल दा मुद्दा चक सकते सीगे भी असी किस पार्टी नूं यूज करना है। ओ किवें अपने आप कोई तुहाडे कोल घरे आए हैं जां पिंड दे विच मीटिंग सी? इह मैनूं नहीं पता हैगा, मैनूं तां अद्धा घंटा पहलां ही मतलब दस्या गया इह घरों ही कि भी असी भी उह आ रहे हैं। मैं कहा भी मैं नहीं भी ठीक नहीं लगता हैगा इस तरह भी आपां किसी नूं घर बल घर आ जावे कोई साडे तुसीं मना कर दो, पर नहीं चलो ये मैनू नहीं पता हूँ भी की होया है, तो बच्चे जानते जा बच्चे बच्चों पता होएगा मैं कह नहीं सकती कि उन्हों बड़े बेटे नू जा किसे नू भी पता होएगा इस गल का, जो किसी ने कहा होना भी चलो असीं तुहाडे घर बुला लैंदे आ भी असीं गलबात कर लैंदे आ उन्हां नाल, बस गलबात ही की करदे सी, ये तो नहीं भी सरोपे पा के असीं ज्वाइन कर लिया कुछ भी। तो बाकी गल ये भी रही कि जिस तरह कहिंदे भी अनमोल गगन भी उहदे गायक है, इस करके बच्चे ने सारिआं ने उन्हें नाल खड़ खड़ के कुड़ियां ने भी फोटो खिचाईआं, इहो जिही गल नहीं हैगी, उही बस रहा भी शायद ये अनमोल गगन, मैनूं तां इन्ना किसी होर पार्टी वाले मैनूं जानकारी नहीं हैगी। अच्छा तो जिवें कुछ नौजवान भी इत्थे शामिल सी कोई हाजिर होए जां उन्हां दे सरोपे पाए तुहानूं बिना पुछे तो खबर लगाई गई है जां जिवें तुहाडा दित्ता गया है जां तुहाडे नाम आउण दे नाल ही इह हो गया? देखो मैं उन्होंने कहा भी है भी देखो भी मैं ये पार्टी विच मैं नहीं हैगी तो मैं कांग्रेस विच ही हाँ, नहीं जो कहते चोन जाब तो लगता हूँ किहड़ा वो गल करता है, कोई भी इस तरह की कोई गल नहीं होगी तुहाडे पर, मैनू नहीं पता मैं ना कहा किसी ने भी फोटो लाओ जब मैं सरोपा पाने बारे ही नहीं किसी नाल सहमत हुई तो फोटो तो मैं तो कल पता लग गया भी फोटो भी आ गई अखबार में।
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਾਨਚੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਓ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਬਸ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਪੰਚ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, 5 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਸਵਾਸ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਪੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਜੀ ਬਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਣਾ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨਸਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸਤ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਗਗਨ ਮੈਨ ਆਈ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੀ ਪਲੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੱਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਗਗਨ ਮੋਹਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ
उगे कलाकार है वह वधिया शखसीस है, पर यह जहा ड्रामा ना करे, यह ड्रामे नाल लोगों वोटा नहीं ले जाने जब तक दिलों के अंदर नहीं वड़ते है। यही ड्रामे करके उन्होंने कमर संधु ने पहला जित के लोगों की सार नहीं ली है। तो साडे सरपंच साहब खिदराबाद के ये तो शुरू तो ही कांग्रेसी है, ये कोई अज दे नहीं है, साढ़े तो बहुत पहला कांग्रेसी चलते आ रहे, यह परिवार कांग्रेस के रहे, कांग्रेस के ही इन्होंने मनना है। जिवें इंटरव्यू तो बाद लोगों के कोई कमेंट भी आएंगे वो भी जरूर तुम स्पष्ट कर दौ कि तुहाडे वल्लों तां नहीं किते हुण इन्हां नूं बदलाया गया जे आप तुहाडे कोल आए ने किवें होया? नहीं साडा कोई ओ नहीं, मैं तां समां असी तां इन्हां नाल चल रहे अज्ज दी तरीक मां तां साडे सरपंच है साडे सीनियर भी है ये, तो मैं गल जरूर इन्हां पुछी भी की होया, कहिंदे भी साडे घर चाह पाणी वास्ते आए सी। चलो फर्ज है हर एक पार्टी आती है हर एक हुंदा है भी इहो जिहा कुछ नहीं है भी आ उन्होंने करी प्लैन के मुताबिक इन्हां ने साडे सारे घर दे खड़े सी। चलो एक फिल्म स्टार है आए साढ़े बच्चे सारे टब्बर इन्हें आया उसी पा पा के ना सरोपे गल दे विच पा के पार्टी का वो इन्हें फोटो खिंच लिया, ये बहुत माड़ी गल क्योंकि ये भी कई बार लोगों को होंगे भावें तुम अज पार्टी विचों पार्टी भी तो नहीं छड़ी पर जो मौजूदा तौर पर इतने सबका मंत्री भी रहे ने हुण भी वो टिकट की मंग कर रहे ने, पिछली बारी भावें हार गए सी जगमोहन सिंह कंग जो हलका है कि उन्होंने नाल तुहाडियां बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई ने, तो इस कारण कोई पिछे तो नहीं हो सकता? नहीं नहीं इदा तो देखो साड़ियाँ चलो आपसी होंगे है पार्टी ना साड़ा कोई गिरा साड़ी आपसी कोई गलबात हैगी है जी साड़ी नाराजगियाँ है, चलो जायज भी है सबनों पता इलाके पता कोई गल नहीं है। बाकी रही गल है क्या सी कांग्रेस साहब क्या सी पार्टी दे इदा का कोई मसला नहीं है साड़ा, रही सरपंच साहब है इन पर तो साड़ा कोई इदा का कोई है ही नहीं प्रवाह ही नहीं है ना ये प्रवाह की मानते हैं, यह बहुत स्पष्ट पहली बार मैं देखने मिल रहा मैं सरपंच साड़ी भी बहुत साफ सुथरी गल करती है कोहरी करारी गल करती है, इधर पार्टी का कोई दबाव नहीं कोई कुछ नहीं है भी असी कोई जे कांग्रेस पार्टी उधर उधर जाना कोई इदा की गल है, जो साडा फैसला कोई भी होगा साडा ग्रुप है तरुण बंसल है अमामदीन है तो अपना नवीन बंसल जी है होर मेरे साढ़े रवि राठौर जी है तो जिन्ना साडा ग्रुप है सारा ही अपना सरपंच भी असी साडे ग्रुप ने सारा रलकी बनाई है तो असी जो भी कोई फैसला होना साढ़े ग्रुप का इकट्ठा ही होना कोई साढ़े किसी लागे नहीं होना। सरपंच साहब का भी कहना कि वो पार्टी में खड़े ने तुसी भी पार्टी के ने तुहाडे नाल बाकी भी खड़े ने, अगर हुण कांग्रेस पार्टी तो कोई नवा उम्मीदवार जो आता जा उसकी जगह क्योंकि अजे चर्चावान ने जगमोहन सिंह कंग नूं टिकट मिल जाती है फिर किवें दा रहेगा तुहाडा पार्टी प्रति? फिर भी साडा देखो सारे मेरे जिन्हें मित्र सज्जन है जहाँ उरा बैठे जहाँ बाहर उन्होंने फैसला देना उन्होंने फैसले नाल होना जो भी होना है, मेरा कल का कोई ये रोल नहीं है कोई मैं वो नहीं कर सकता, साड़ा जो हाई कमांड का जो मेरे मित्रा फैसला होगा वो सिर मत्थे होगा साढ़े। कुशलपाल जी जिमें तुसी भी सियासत में चल रहे हो जवानी समय तो ही की देख रहे हो कि अज के समय भावें सियासत दे विच तुसी चल रहे हो कि किस तरह का माहौल बदल रहा है किवें लोगों को भरमाया जा रहा है किवें किसी को बाहर भी कढ़ दिता जाता है उसका कम होने के बावजूद भी किसी को छो कर दिता जाता है पिंडों के जाके चोणों के समय साढ़े नाल ने बाहर तो एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है वोट तो चलो मन करके जिते है उत्थे है पर लोगों के एक नवा पार्टियां का जो ट्रेंड चल पाया इस तो हुण तुसी की संतुष्ट हैं जां कुछ गलत हो रहा है? बाकी भाई जी मैं थोड़ी गल तो सहमत है जिहड़ा एसओ इलेक्शन है पहली बार होगा ये अपने पूरे पंजाब के अंदर कि हर एक पार्टी एक नवे नवे करके कर रही है, हर एक पार्टी जै जाता दा मैं आप की गल करूँगा भी साढ़े खड़ा हल्के बर के हर वरी पहला कबर संधु देते इस वरी बीबी गगन मोहन लिया के सू कलाकार देती साढ़े हल्के पर लोग बड़े सियाने हैं इस वरी बिल्कुल भी किसी के कहने पर नहीं आना, उन्होंने आखिर मोह जी मोहर लानी है विकास के कामों को लानी है और कांग्रेस पार्टी लानी है जोड़ा भी उम्मीदवार मिलूंगा पार्टी उन्होंने लानी है उन्होंने जो मौजूदा समय वोटां दी रणनीति उम्मीदवारां वल्लों चल रही है नित नवें दावे वादे कीते जांदे ने बाद दे विचों खोखले हो जांदे ने, सो इहो जिही लोकां ने समझना शुरू कर दिता है। हुण ताज़ा मिसाल जो खिजराबाद दे विच कल होई है एवें ही हर एक पार्टी वल्लों कीता जांदा है ते उह दूजे दिन जाके जदों अगर पता लगता है असलीयत तो उन्हां दी बिना सहमति तो की कुछ हुंदा है जां कोई दबाव नाल भी आ जांदे ने जां बिना ज्ञान तो भी आ जाते हैं पर पार्टियां बारे लोग समझण लग गए ने की कुछ हो रहा है, सो अज जो खबर कल आईया सी आम आदमी पार्टी में शामिल होने खिजराबादी पंचायत दी उन्हां वल्लों इकट्ठे होके अज इस बारे स्पष्टीकरण दिता गया है कि उन्हां नाल की कुछ होया, सो वो सारी रिपोर्ट साडे खालसा टीवी चैनल राही तुसी देख रहे हो।